परसेंट युवा हमारे डिप्रेशन का शिकार है। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, बहुत सिंपल। आज मैं उसको बोलता हूं, आप गौर करिएगा अपने ऊपर। जैसे आप मेरी तरह एक सामान्य परिवार से आते हैं, तो जब 2000 में पिताजी रिटायर हुए, बहन उसको भी पढ़ाना है, वो भी पढ़ाई कर रही है, फिर उसकी शादी करनी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में ये सब चुनौतियां होती हैं। अब हमारे माँ बाप ऐसे हैं जो हमसे ये नहीं कहते कि भैया हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, अगर उनके सपने बड़े हैं, गौर से सुनिएगा, जितने भी मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, अगर उनके सपने बड़े हैं, तो आप इसकी जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल व्यवस्था करें। सर आपको भरोसा शायद ना हो, लेकिन मैंने 6 महीने बार्टेंडर का काम किया है, वेटर का। मैं दिल्ली में रहता था, हमारे साथ हमारे एक मित्र थे नीरज तिवारी, और मुखर्जी नगर में हमने एक हिंदी मीडियम की कोचिंग खोल दी। उसमें अब कोचिंग का किराया, रहने का किराया, खाना, कोचिंग का एड, सब पैसा कहां से आएगा? तो दिल्ली के एक होटल में बार्टेंडर का काम किया सर। सैलरी बहुत कम मिलती थी सर, टिप बहुत ज्यादा मिलती थी, सैलरी बहुत कम लेती थी सर। शाम को 7 बजे मैं गुड़गांव आता था और रात को 3 बजे मैं वापस घर पहुंचता था, और सुबह 8 बजे मैं क्लास ले जाता था। और सर किसी को नहीं, सर किसी को नहीं, मेरी पत्नी को मुझे हर महीने पैसा भेजना होता था, मेरी बच्ची, पहली बच्ची जो मेरी बड़ी वाली बेटी है, उसका जन्म हो चुका था, उसको पैसा भेजना होता। यह है जीविकोपार्जन। मैं किससे ज्यादा पैसे मांग रहे, और इतने सारे चीजों के पैसे, और माता जी ने कह दिया कि घर दिखाई मत पड़ना भाई, कोई आदमी आप अपने पास रख लेगा, पर डे खाना खिला देगा, अभी कोचिंग का फीस क्यों दे, अभी कोचिंग का किराया क्यों, रेंट क्यों देगा, आपके परिवार का वहन क्यों करेगा? तो आप जैसे ही 21 साल क्रॉस करें, 21 साल याद रखें, आप जैसे ही 21 साल के हो जाएं, आप इस पर ध्यान दें तुरंत। यह सबसे बड़ी चुनौती और बाधा है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। इक्कीस साल से पहले अगर परिस्थितियां ऐसी नहीं है तो आप मत सोचें। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार वाले अगले 5000 साल तक आपको पहुंच सकते हैं, तब भी मत सोचें। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मध्यम वर्ग वालों की। जीविकोपार्जन, आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे, एकदम पढ़ाए सर। और जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, दो उद्देश्य से पढ़ाए, किसको टॉप करवाना है और इसके अंदर पढ़ाई का नशा पैदा करवाना है, बस। सर ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं, रुपयों को पहाड़ खड़ा कर देंगे आपके सामने। पहला काम जीविकोपार्जन। मैं नाम नहीं लूंगा, एक आईपीएस हिंदुस्तान में है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उस बंदे ने एटीएम में काम किया, घर से पैसा आता नहीं था, पढ़ना था एटीएम में क्यों काम किया? एटीएम में एसी लगा होता है, तो रात भर एटीएम की नौकरी की, एसी में बैठ के पढ़ाई की, तो पढ़ाई भी मस्ती से हुई, जीविकोपार्जन भी हो गया, और एम्बिशन। जितने भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास, जिनको भी इस बात का एहसास है कि मेरे घर वाले एक समय के बाद आर्थिक रूप से मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, वो इसका प्रयास तुरंत करें। कोई बुराई नहीं है सर,
आप कोई भी कला सीख लो सर, आप ऐसे बनाना सीख लो सर, क्या बुराई है बताइए मुझे। आप पढ़े लिखे आदमी है, सारा काम ऑनलाइन होता है, आप एसी बनाने वाली चार दुकान से जुड़ गए, आप किसी के एसी बनाने जाएंगे, वेटर जींस टी शर्ट चश्मा उश्मा लगा के जाएंगे, गुड मॉर्निंग सर, कायदे से बात करेंगे, यार बड़ा डिसेंट टाइप का आदमी है, ये छोटा नहीं होता सर। आप शर्मिंदा बिल्कुल ना हो कि लोग क्या सोचेंगे, खाने को देते लोग भाव में जाए, कुछ भी सोचे, अपने सपनों को पूरा करना है। अंबेडकर, गांधी, लिंकन, कलाम, मुलायम सिंह, मोदी, ये सब बड़े सामान्य घर से आते हैं और महान बने। तो अगर ये सामान्य घर से आते और महान बने तो इन्होंने कुछ ना कुछ हैंडल किया होगा। किसको हैंडल किया होगा? प्रेशर को। व्यक्तित्व तो मतलब पी इज इक्वल टू पी, पर्सनालिटी मतलब जो प्रेशर को हैंडल कर ले। P is equal to P.